जय हिंद। टाइम्स ऑफ पुणे चॅनलवर आपले मनापासून स्वागत। मी सध्या भवानीपेठ येथील शहानूर कॉम्प्लेक्समध्ये आहे। आता ही तुम्ही बिल्डिंग पाहताय, शहानूर कॉम्प्लेक्सची बिल्डिंग आहे। पुण्यासारख्या क्रीम एरियामध्ये ही बिल्डिंग आहे आणि इथल्या गाळेदारक्याची काही व्यथा आहे जाणून आपण घेऊया त्यांच्या तोंडूनच। क्या नाम आहे आपका? जी साकिब जहरुद्दीन अंसारी नाम आहे मेरा। क्या तकलीफ आहे आपको? तकलीफ ये है कि वॉशिंग सेंटर है मेरे दुकान के बाजू में, ये दुकान मेरा है। अच्छा। और एक वॉशिंग सेंटर गॉड गिफ्ट वॉशिंग सेंटर है मेरे दुकान के बाजू में, जिसका वॉशिंग का पानी मेरे पूरे दुकान की दीवार में पूरा आ जाता, उससे मेरे दीवार जो है दुकान की वो पूरी कमज़ोर हो गई है। इसकी शिकायत मैंने कॉरपोरेशन में भी किया था, क्षेत्र कार्यालय हमारे स्टेडियम पे, लेकिन वहाँ से मेरे को कोई इसका न्याय मिला नहीं। और जब मैं इनको बताने जाता हूँ तो मेरे को ये पॉलिटिकल पावर बताते, गुंडेगर्दी की धमकी देते, मारने की धमकी देते और ऐसे सब चीज़ें ये लोग करते रहते हैं। आपको ही उन्होंने जब धमकी दी या मारने के गुंडे वगैरह बुलाते हैं, तब आपने पुलिस कंप्लेंट किया है या पुलिस के पास तकरार कुछ किया है आपने इसका? मैंने पुलिस खड़क पुलिस स्टेशन जो हद्दी हमारी लगती है, मैंने उधर भी जाके एक अर्जी दिया था, उसके लिए भी उसके वजह से मेरे को कोई इसका रिस्पॉन्स मिला नहीं है अभी तक। नहीं मिला? नहीं, कोई रिजल्ट ही नहीं आया मेरे को उसका। ओके। जो जो जगह से आपको तकलीफ है आप बता सकते हो? जो पूरी जगह बताऊंगा मैं इनको। और दूसरा ये भी है कि इन्होंने अननेसेसरी जगह बहुत ऑक्यूपाई किया हुआ है। चलो देखेंगे जी। ये वॉशिंग सेंटर में हम खड़े हैं, गॉड गिफ्ट वॉशिंग सेंटर। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने अननेसेसरी जगह बहुत ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये बिल्डिंग का कॉलम है और ये बिल्डिंग का डेड एंड एरिया है। ये जो बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग की दीवार है यूनिक अपार्टमेंट, ये अलग है, और ये शानूर कॉम्प्लेक्स ये बिल्डिंग अलग है। ये इसकी जो बीच की जगह है ये इन्होंने ये सब ऑक्यूपाई कर लिया है। ये देखेंगे आप, ये पूरी अलग सी जगह है। मतलब ये बिल्डिंग अलग है और ये बिल्डिंग अलग है और ये स्ट्रक्चर टोटल अलग है। ये म्हणजे एकंदरीत दोन बिल्डिंगच्या मध्ये जो 2 फुटी जागा सोडलेली असते नियमानुसार, त्या जागेत सुद्धा ह्या साहेबांनी कब्जा केलेला आहे। पुढे बघूयात आपण। अभी दुसरी एक ये जगह है जो ये कॉमन पैसेज कॉमन प्लेस है, ये जिसमें सोसाइटी ने मेंशन किया था ये टॉयलेट और इधर एक हुआ करता था बाथरूम जो यहाँ पहले खुला था। इन्होंने ये दुकान इनके दुकान में ले लिया, यहाँ दीवार लगा दिया और ये बाथरूम जो इनके दुकान में अंदर पीछे साइड से उन्होंने उनके ताबे में ले लिया। ये इसका पॉइंट नंबर 3 है। ये एक वीकेंड जगह थी जो इन्होंने अभी नया बांधकाम किया है। ये पहला एप्लीकेशन देने के बावजूद ये सेकेंड इन्होंने काम किया है, फर्स्ट एप्लीकेशन का कोई रिजल्ट मिला नहीं, वो उन्होंने और डेयरिंग से दूसरा काम करके इनको अभी रेंट पे देना है। और जबकि ये जगह एक कॉरपोरेशन की जगह है, इसके नीचे 2 ड्रेनेज के आउटलेट्स है, उनके ऊपर उन्होंने स्ट्रक्चर नया खड़ा करके इनको भी रेंट पे देना है। आता साधारण आपण बघितलं तर हा जो पोर्शन आहे हा मला वाटतं कॉर्पोरेशनच्या हद्दीत येतो, आणि ही जी पाण्याची टाकी आहे कॉर्पोरेशनच्या हद्दीतली, आणि ही जर कार जे बघताय तुम्ही अनधिकृत म्हणजे इनलिगल पार्किंग आहे, म्हणजे एकंदरीत हा अतिक्रमणाचाच हा एक प्रकार आहे। अभी इनका पॉइंट नंबर 4 है। अभी जैसा इनकी जगह ये दुकान उनका उधर है, लेकिन वो दुकान के बाहर इनका ये देखो ये सारा पसारा यहाँ से उन्होंने शुरू कर दिया, ये वट्टा लगा के ये इनकी कार पार्किंग। सोसाइटी वालों को कोई बात का रियायत नहीं है इनके पास। ओके। और ये सारा कचरा जो आप देखेंगे ये देखिए, ये इनके सब जितना सामान ये जब्त किया शेख का पड़ा हुआ, इनको ये जगह भी ऑक्यूपाई करना है। म्हणजे एकंदरीत बघितलं प्रायव्हेट मालकीची जागा ही म्हणजे प्रायव्हेट सगळ्यांचाच ह्याच्यामध्ये भाग आहे, पण जागा ही दुसऱ्यांची नसून स्वतःचीच, म्हणून पार्किंगमध्ये इतकं घाण आणि इतकी दुर्गंधी, आपण एक मिनटसुद्धा राहू शकत नाही इथं, तर कुत्रे म्हणा पक्षी जनावरं इथं येऊन अक्षरशः शिशुसुद्धा करतात। मेरा नाम हसन है। अंसारी सर ने जो आपको अभी बताया है वो सब चीज़ सही है। हमको बहुत टाइम से तकलीफ हो रही है वो सब चीज़ की, और हम चाहते हैं क्या टाइम्स ऑफ पुणे की तरफ से हमको न्याय मिले।
म्हणजे एकंदरीत लक्षात असं येतं की जागा एकाची आणि राज्य एक करतो आहे आणि अशा घटना पुण्यामध्ये पुण्याच्या बाहेरही घडतात आणि हे लोक जे आहेत खरंच टाइम्स ऑफ पुण्याकडून न्यायाची अपेक्षा करत आहेत आणि खरंच अशा तक्रारी कोणाला असतील तर खाली माझं डिस्क्रिप्शन बॉक्स आहे त्याच्यावर तुम्ही कमेंट्स करा आणि तुमच्या सूचना किंवा तुमच्या तक्रारी तुम्ही नोंदवू शकता आणि या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा. टाइम्स ऑफ पुणे ब्युरो चीफ सतीश राठोडसह कॅमेरामन स्नेह कुलकर्णी. आपण हा रिपोर्ट पूर्ण पाहिल्याबद्दल शतशः धन्यवाद.